आईएमए गोरखपुर के सचिव पद का चुनाव स्थगित हुआ, जिसके संबंध में आईएमए के सचिव डॉक्टर बीएन अग्रवाल ने बताया कि आईएमए एक लोकतांत्रिक संस्था है। हम लोगों को आभास हुआ कि हमारे सदस्यों को वोटिंग में किसी तरह की दिक्कत है। आपको बता दें कि रविवार को महिला डॉक्टरों का एक निजी होटल में कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जिसमें सभी महिला डॉक्टर व्यस्त थी, जिससे वोट डालने में उनको दिक्कत आ रही थी। वहां पर भी बूथ बनाया गया था, फिर भी वोट डालने में महिला डॉक्टरों को प्रॉब्लम आ रही थी और मतदान प्रभावित हो रहा था, जिसको देखते हुए आईएमए के अध्यक्ष के निर्देश पर अग्रिम आदेश तक चुनाव को स्थगित कर दिया गया। आगे बुधवार को सीतापुर हॉस्पिटल में आईएमए गोरखपुर के जनरल बॉडी मीटिंग के बाद चुनाव की तिथि घोषित की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईएमए के सचिव डॉक्टर बीएन अग्रवाल ने कहा, मैं डॉक्टर बीएन अग्रवाल, वर्तमान सचिव आईएमए गोरखपुर। देखिए, आईएमए एक बहुत लोकतांत्रिक संस्था है, पढ़े लिखे लोगों की संस्था है, तो कहीं भी हम लोगों को इस बात का अगर आभास हो जाता है कि हमारे सदस्यों को वोटिंग के प्रोसेस में कोई समस्या आ रही है, तो हमें ऐसा लगा कल, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी महिला डॉक्टर्स हैं उनका रेडिसन ब्लू में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी स्टेट लेवल की, और सभी लोग उसमें व्यस्त थे। हालाँकि हमने वहाँ भी बूथ बनाया था, लेकिन वह चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जब मतदान का समय हुआ तो ऐसा लगा कि इससे मतदान प्रभावित होगा या फिर उनकी कार्यशाला जो भी ट्रेनिंग की वो प्रभावित होगी। इसको निर्णय में रखते हुए हमारे अध्यक्ष डॉक्टर श्री शंकर साही के निर्देश पे कल मैंने ये सूचना दी कि हम लोग अग्रिम सूचना तक अपने चुनाव को स्थगित रखेंगे। अब आगे हम लोगों ने बुधवार को एक हम लोगों की जीवीएम होनी है सीतापुर आई हॉस्पिटल में, वहाँ ये डिसाइड किया जाएगा कि अगली तिथि क्या हो।